बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं स्वयं शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों कि कल जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आएंगे और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ का पेपर होगा अनिवार्य प्रश्न पत्र का को करिकुलम सब्जेक्ट का जिसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से प्रश्न आने वाले हैं हेल्थ केयर एंड हाई अगर आपके पेपर का नाम है या हाई जो है मतलब की फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है तो भी आपके एग्जाम से प्रश्न यहाँ से आएंगे और आपको बता दूँ अभी रात के नौ बजे से आपकी क्लास कौन सी लगवा दूंगा आपकी रात के नौ बजे से बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग एक से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसमें हम फूड एंड न्यूट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाईजेन का जो पेपर होगा अभी रात के नौ बजे से आपकी लाइव क्लास उसकी होगी जैसा कि आप लोगों ने कल रात के नौ बजे में नौ बजे आप लोगों ने देखा होगा फूड न्यूट्रिशन की क्लास हुई थी उसी प्रकार से आज रात के नौ बजे भी अभी क्लास होगी और ये क्लास बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कहा था तो इसलिए हमने हेल्थ केयर एंड हाइजन की भी क्लास आपको लगवा दी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तो आपको बता दूं कि सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा क्योंकि यह भी वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा के लिए और जो अगली वीडियो अभी आएगी रात के नौ बजे से वो भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे और आप कल पेपर देने जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे ओके चलिए बात कर लेते हैं ये आप एक प्रकार से आपका अनिवार्य मॉडल पेपर है अनिवार्य प्रश्न पत्र है और टॉप हंड्रेड इसमें हंड्रेड सी रखे गए हैं मौ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन सर है मल्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ओके और सॉल्व पेपर है ये कि कौन सा पेपर है भाई सॉल्व पेपर है सॉल्व माने होता है आपका मतलब थोड़ा सा मुँह से निकल नहीं पा रहा है बहुत सारी क्लास होती रहती है तो इसलिए थोड़ा सा जो है तो सॉल्वड पेपर है सॉल्व माने होता है कि आपका हल प्रश्न पत्र मैं देने का प्रयास करूंगा प्रश्न पत्र क्या मॉडल पेपर है एक प्रकार से और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा बी ए बी एस सी बी बी एस सी ए जी बी एस सी होम साइंस इन सभी छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंट्राटेलो इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनको हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है इससे पहले भी हेल्थ एंड केयर का वीडियो हमने दे दिया है आपको अगर नहीं देखा देख लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन का क्लास दे दिया है जिनका वो होता है वो देख लीजिएगा पर्यावरण अगर किसी का होता हो या इन जो है इन्वायरमेंट का होता हो या मानवाधिकार का होता हो ह्यूमन राइट्स का इन्वायरमेंट का या फिर राष्ट्र गौरव का तो इन सभी का या फिर किसी और भी आपका अगर को करिकुलम अनिवार्य सब्जेक्ट है तो आप लोग कमेंट कर करें हमारे इस वीडियो में कि सर जी ये भी हमारा अनिवार्य है इसका भी वीडियो बना दीजिए तो मैं उसका उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा ओके पहला प्रश्न देखिएगा सभी लोग पहला प्रश्न है कि सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति हेतु निम्न में से कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई तो अनिवार्य शिक्षा महत्वपूर्ण है समु, समुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य है आपकी ठीक है और प्रौण शिक्षा भी अनिवार्य है स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार होना भी अनिवार्य है ऑप्शन नंबर डी दिया है ये सभी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी अगला प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा व्यवहार है जिसमें निम्न को बढ़ावा दिया जाता है निम्न को बढ़ावा दिया था किसको भाई समाज को या जनता को या समुदाय एवं व्यक्तियों के मिले जुले प्रयास को या फिर इन सभी को तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा समाज जनता और समुदाय एवं व्यक्तियों के मिले जुले प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सकता है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है ये सभी अगला प्रश्न है आपके समक्ष मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है मधुमेह नामक बीमारी में इंसुलिन जो है दिया दी जाती है क्या इंसुलिन नामक दवा दी जाती है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है अगला प्रश्न है रक्त में किस चीज की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है रक्त में किस चीज की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है भाई तो अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं मधुमेह रोग क्या है मधुमेह रोग है तो वंशानुक्रमण रोग है ये कैसा रोग है वंशानुक्रम रोग है ओके अगला प्रश्न देखते हैं मधुमेह किससे संबंधित होता है मधुमेह जो होता चया है चयापचय से, चया से संबंधित है किससे चयापचय पैन क्रिया से संबंधित है ओके ऑप्शन नंबर इसका सीख करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है स्त्रियों में मधुमेह होने की जो संभावना होती है वो गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में होती है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास अगला प्रश्न है मधुमेह किस में खराबी के कारण होता है तो मधुमेह जो होता है पैनक्रियाज में खराबी के कारण से होता है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा सामान्य से कम वजन वाले अर्थात अल्प भार के मधुमेह के रोगी को दिया जाने जाना चाहिए क्या देना चाहिए भाई कार्बोज अगर उनको मिल जाए तो वही सही होगा ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं भाई अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ और भी हेल्थ एंड केयर का वीडियो देख लीजिएगा स्वास्थ्य वाला ठीक है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आ सकता है अगला प्रश्न देखते हैं उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है उच्च रक्तचाप के रोगी मतलब उच्च रक्तचाप माने की हाई ब्लड प्रेशर के जो रोगी होते हैं उनके लिए क्या चीजें वर्जित हैं तो बीडी सिगरेट तो बिल्कुल वर्जित होनी चाहिए उनके लिए बिल्कुल हाई भी मांस मुर्गा भी उनको नहीं खाना चाहिए मी मक, मक्खन भी नहीं खाना चाहिए तो ये भी ये भी ये भी ऑप्शन डी में दिया है आपका डी में क्या दिया भैया उपरयुक्त तो सभी वही करेक्ट आंसर होगा ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट भड़ से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत अच्छा आप जो है उत्तर दे रहे हैं अभी रात के नौ बजे से आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास और हाइजीन की क्लास लगी हुई है आप लोग उसको भी देखिएगा चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार का देना चाहिए उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार जो देना चाहिए भाई वो संतुलित आहार देना चाहिए कैसा आहार संतुलित आहार मिलना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है रक्तदाब बढ़ जाता है इसे क्या कहते हैं हृदय निलय के संकुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है और रक्तदाब क्या होता है बढ़ जाता है इसे क्या कहते हैं प्रसरण दाब कहते हैं या प्रकुंचन दाब कहते हैं क्या कहते हैं भाई तो इसको हम प्रकुंचन दाब के नाम से जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा रक्त दाब रोग का लक्षण किससे संबंधित माना जाता है क्या भाई रक्त दाब रोग का लक्षण किससे संबंधित माना जाता है भाई तो हृदय से संबंधित है या रक्त दाब रोग जो है उसका लक्षण हृदय से संबंधित है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा प्रौण स्वस्थ व्यक्ति क्या प्रौण स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब कितना होता है प्रवण स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब कितना होता है फटाफट से बताने का प्रयास कर कितना होता है भैया एक सौ दस से एक सौ तीस तक होता है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा प्रकुंशन दाब कितना होता है एक सौ दस से एक सौ तीस तक अगला प्रश्न है सिस्टोलिक तथा डाइसिस्टोलिक सिस्टोलिक तथा डाइस्टोलिक दाब में क्या अंतर होता है दाब में कितना अंतर होता है बीस तीस अंतर होता है चालीस पचास का अंतर चालीस पचास का अंतर होता है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न है रक्त तो दाब में अंतर बढ़ जाए तथा वह बढ़ा हुआ अंतर निरंतर होता रहे तो क्या होता है तो क्या होता है भाई उच्च रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए करेक्ट होगा अगला प्रश्न है जीरो से एक वर्ष वर्षों का सिस्टोलिक दाब कितना होता है तो जीरो से एक वर्ष बच्चों का सिस्टोलिक दाब जो होता है कितना होता है भाई जीरो से एक वर्ष बच्चों का सिस्टोलिक दाब जो होता है सत्तर से नब्बे होता है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं बारह से बीस वर्ष के लड़कों के लिए सिस्टोलिक दाब कितना होता है तो बारह से बीस वर्ष के लड़कों के लिए सिस्टो... सिस्टोलिक दाब जो होता है वो सात सौ नब्बे से एक सौ दस होता है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से किसे सामान्य रक्तचाप माना जाता है निम्नलिखित में से किसे सामान्य रक्तचाप माना जाएगा तो डाई स्टोलिक अस्सी मिली मिमी मीटर होना चाहिए और सिस्टोलिक जो होता है एक सौ बीस मिमी मीटर होना चाहिए ओके मतलब कि तो ये हो गया आपका नंबर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिएगा भाई सभी लोग अगला प्रश्न देखिए फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अभी रात के नौ बजे से आपकी क्लास कौन सी होने वाली है फूड एंड न्यूट्रिशन की जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है होने वाला है हाइजेन फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजेन का मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको देख लीजिएगा अभी पूरा सेशन अटेंड करिएगा बहुत ही मजा आ जाएगा और बहुत ही चीज प्रश्न से फसेंगे ओके और ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ही जो देख रहे हैं प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है प्रोटीन तथा वसा के निर्माण के लिए कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है भाई तो सौ ग्राम प्रोटीन ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा मोटे व्यक्ति को आहार में लेनी लेना चाहिए क्या वसा लेनी चाहिए विटामिन या खनिज लवण या फिर प्रोटीन तो मोटे व्यक्ति को आहार में वसा मतलब नहीं लेनी चाहिए पूछ रहा है ना तो मोटे व्यक्तियों को आहार में वसा जो है नहीं लेनी चाहिए ओके ध्यान रखेंगे वसा नहीं लेनी चाहिए ऑप्शन नंबर इसका ही करक्ट है क्योंकि वसा जो होता है उसका अंग्रेजी मीनिंग फैट होता है और फैट माने मोटापा ही होता है वसा वसा से मोटापा ही होता है ओके शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से दस परसेंट बढ़ जाता है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से दस परसेंट जो है बढ़ जाता है भाई तो अधिक भार ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न है मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है किसमें मोटापे में यकृत में या न्यून भार में आंतों में तो भाई मोटापे में ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से बीस परसेंट बढ़ जाता है किस स्थिति में बढ़ जाता है भाई मोटापे में बढ़ जाता है या अधिक भार में बढ़ जाता है अल्प भार में या न्यून भार में दस परसेंट बढ़ता है अल्प अधिक भार में और मोटापे में कितना बढ़ता है भाई बीस परसेंट बढ़ जाता है ऑप्शन नंबर इसका एक मोटापा ओके अगला प्रश्न है अगला प्रश्न किन ग्रंथियों से निकलने वाले ग्रंथियों से निकलने वाले रस के अधिक श्राव के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है तो किन ग्रंथियों के कारण भाई थायराइड ग्रंथि ऑप्शन नंबर इसका एक रक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा दुर्बलता से किस रोग क्या दुर्बलता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती भाई दुर्बलता अगर आपके शरीर में ज्यादा तो कौन सा रोग बढ़ जाएगा दुर्बलता से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है टीबी होने की संभावना बढ़ जाती नंबर इसका करेक्ट है अगला प्रश्न है मोटापा किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है मोटापा किस यंत्र से नापा जाता है भाई तो मोटापा नापने का जो यंत्र होता है उसको हम कैलीपर के नाम से जानते हैं आपसे नंबर इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है एक साधारण पुरुष को कितने कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए एक साधारण पुरुष को चौदह सौ सो से सोलह सौ सो कैलोरी ऊर्जा अगर मिल जाए तो ठीक है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है ओके अगला प्रश्न है निम्न में कौन स्थूलता का प्रकार नहीं है निम्न में कौन स्थूलता का प्रकार नहीं है भाई तो कठोर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है कठोर जो स्थूलता का प्रकार नहीं परिमित मृदुर तीव्र ये सब स्थूलता के प्रकार मतलब की है अगला प्रश्न देखिएगा जिन व्यक्तियों का बी एम आई जिन व्यक्तियों का बी एम आई अठारह दशमलव पांच से कम होता है उन्हें अल्पभार में निरूपित किया जाता है यह विचार किसका है तो यह विचार जो है बी लक्ष्मी महोदय का, का है आपसे नंबर इसका ये करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा भाई अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है प्रश्न क्या है कि शरीर वसा का मापक है शरीर वसा का मापक क्या है भाई त्वचा तो अच्छा वलन कैल पर जो होता है शरीर वसा का मापन इसी से किया जाता है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है मतलब शरीर मोटापा जिसको कहते हैं निम्न में से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है तो कौन सा मोटापे का कारण नहीं है भैया तो संतुलित आहार अगर होगा तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर इसका यही भी करेक्ट है ये जो है मोटापे का कारण नहीं बाकी आर्थिक स्तर सामाजिक स्थिति और आयु और लिंग ये सब मोटापे के कारण होते हैं ओके अगर आपका आर्थिक स्तर ज्यादा है तो आप जाहिर सी बात है आप थोड़े से मोटे होंगे आपका स्वास्थ्य कैसा होगा थोड़ा सा मोटा होगा पेट और निकला रहेगा थोड़ा सा ठीक समाज की स्थिति जैसी होती है ये सब मोटापे के कारण है बाकी संतुलित आहार नहीं होता है मोटापे के कारण अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा मोटापे का कारण है निम्न में से कौन सा मोटापे का कारण है भाई उस तो मोटापे का कारण क्या है इनमें से मोटापे का कारण, कारण कौन सा है आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मोटापे का कारण है तो कम शारीरिक परिश्रम से भी मोटापा बढ़ता है बिल्कुल और भोजन संबंधी अनुचित आदतें अगर आपके पास है तो भी बढ़ता है अनुमानसिकता के हिसाब से भी मोटापा बढ़ता है तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा ओके ये सभी कारण अगला प्रश्न है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से दस परसेंट बढ़ जाता है तो अधिक भार जब होता है तो वही हमने आपको पहले बताया अधिक भार और बीस परसेंट जब बढ़ जाएगा तो उसे को जो क्या कहेंगे मोटापा कहेंगे अगला प्रश्न है अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है अतिसार में किन तत्वों की कमी हो सकती है भाई तो अतिसार में अतिसार नामक रोग होता है तो अतिसार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब तो अतिसार होता आपसे है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है अगर आप प्रश्न है अतिसार कितने प्रकार का होता है तो अतिसार दो ही प्रकार का होता है ऑप्शन नंबर इसका जो है ए दिया है दो प्रकार का तो अतिसार कितने प्रकार का होता है भैया दो ही प्रकार का होता है दो प्रकार का ओके अगला प्रश्न है अतिसार का प्रमुख कारण है अतिसार का प्रमुख कारण क्या है भोज पदार्थ से एलर्जी ऑप्शन नंबर इसका एक अतिसार का प्रमुख कारण क्या है भोज पदार्थ से एलर्जी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है कि व्यक्ति को दिन में कितनी बार मल त्यागने जाना चाहिए व्यक्ति को कितनी कितनी दिन में कितनी बार जो है मल त्यागने जाना चाहिए तो लगभग दो बार व्यक्ति को जाना चाहिए एक सुबह एक शाम ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा कब्ज का शाब्दिक अर्थ है कब्ज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है एक साथ दबना एक साथ दबने को क्या कहते हैं कब्ज कहते हैं ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कब्ज का लक्षण नहीं है तो कौन सा कब्ज का लक्षण नहीं है भाई जो है हृदय धड़क धड़कन का धीमी होना ये नहीं है बाकी जी पर सफेद पदार्थ का जमना ये भी कब्ज का लक्षण है सांस में परेशानी ये भी जो है कब्ज का लक्षण है मानसिक परेशानी भी कब्ज का लक्षण है तो ये सब होते हैं जबकि हृदय धड़कन का धीमी होना ये नहीं है अगला प्रश्न है कब्ज के लक्षण है तो कब्ज का लक्षण क्या होता है भाई पेट व पीठ में दर्द होगा ये भी कब्ज का लक्षण होता है आपका सिर में दर्द होगा ज्वर भी बढ़ेगा बुखार होगा तो ऑप्शन नंबर इसका डी कर ये सभी ओके अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न देखते हैं टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है बताने का प्रयास करेंगे टाइफाइड फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई सलमोनीला टॉफ़ी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिए टाइफाइड किससे फैलता है बैक्टीरिया से फिर वायरस से या वायु से प्रोटोन से किससे फैलता है तो टाइफाइड जो फैलता है बैक्टीरिया से फैलता है और बैक्टीरिया कौन सा भाई सलमोनीला टॉफ़ी ओके अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन होता है टाइफाइड फैलता है तो उससे किसके एक माध्यम से फैलता है भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है ऑप्शन नंबर इसका एक रक्ट है अगला प्रश्न देखो भाई फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा टाइफाइड को ही मोती झरा कहते हैं टाइफाइड को ही मोती झरा कहते हैं तो टाइफाइड या मोती झरा किस तंत्र को प्रभावित करता है तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है टाइफाइड ऑप्शन नंबर इसका एक रक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा ज्वर समय की अवधि के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं ज्वर माने बुखार होता है तो ज्वर समय की अवधि की दृष्टि से कितने प्रकार का हो सकता है भाई तो दो प्रकार का हो सकता है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है समय की दृष्टि से अवधि की दृष्टि से अगला प्रश्न रेड क्रॉस सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी भाई है तो बताने का प्रयास करेंगे तो विश्व भर में फैला हुआ सामाजिक संगठन जो है यही रेड क्रॉस सोसाइटी होती है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा सी अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माता एवं शिशु निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माता एवं शिशु की रक्षा का कार्य करती है तो कौन सी संस्था करती है भाई यूनिसेफ करती है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है ये माता एवं शिशु की रक्षा करती है अगला प्रश्न है जन स्वास्थ्य के मार्ग में बाधाएं हैं जन स्वास्थ्य के मार्ग में बाधाएं कौन सी भाई तो शिक्षा का अभाव भी ये भी एक बाधा ही है ठीक है रूढ़ ये भी एक बाधा है स्वास्थ्य संगठन की निष्क्रियता ये भी एक बाधा है ऑप्शन नंबर इसका डिक्रक्ट हो गया ये सभी अगला प्रश्न देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यू एच ओ का जो मुख्यालय कहाँ पर है भाई जिनेवा में ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है भाई यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है न्यूयॉर्क लंदन कहाँ पर है न्यूयॉर्क में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्यालय कहाँ पर है डब्ल्यू एच ओ का जो भारत में मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे भाई अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न है कि नगर निगम के स्वास्थ्य प्रश्न क्या है नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का कार्य है नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का कार्य है क्या कार्य है भाई अः तो संक्रामक रोग फैलने पर टीके लगवाना यही कार्य है आपसा नंबर इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा यूनिसे यूनिसेफ का क्या कार्य होता है वन्य पशुओं की सुरक्षा करना ये कार्य बिल्कुल भी यूनिसेफ यूनिसेफ का नहीं है यूनिसेफ का यूनिसेफ का कार्य क्या होता है माताओं और शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा करना ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, है।, है, 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 है अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन है स्वास्थ्य शिक्षा के सरकारी संगठन कौन कौन से भाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है राज्य स्वास्थ्य विभाग भी है अस्थायी निकाय स्थानीय निकाय भी हैं कुछ ऑप्शन नंबर इसका लिखे होगा ये सभी हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बाल शिशु की रक्षा के लिए कार्य करता है प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन बाल शिशु की रक्षा के लिए कार्य करता है भाई यूनि यूनिसेफ जो है संस्था ये बाल और जो है माताओं की रक्षा के लिए कार्य करती है ऑप्शन नंबर इसका एक कर रक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया भाई तो अपनाया गया था फ्रांस में ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई भाई तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी नाइनटीन ट्वेंटी में ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट है उन्नीस सौ बीस में अगला प्रश्न है भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कहाँ कब की गई तो भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना जो की गई थी उन्नीस सौ उनतालीस ईस्वी में की गई ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आप सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं और अभी रात के नौ बजे से आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन क्लास लगी हुई है आप लोग उसको जरूर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें लगभग प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे अभी रात के बजे से ओके अगला प्रश्न है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का संबंध है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का संबंध किससे भाई तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का जो संबंध है किससे भाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा से किससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है अगला प्रश्न है विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति किस सन में हुई विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति जो हुई है वो उन्नीस सौ इक्यानबे से उन्नीस सौ बानबे में हुई ऑप्शन नंबर डी में दिया है उन्नीस सौ इक्यानवे से बानबे अगला प्रश्न देखिएगा विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है तो भाई क्या नहीं है आर्थिक विकास विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विकास बिल्कुल भी नहीं है गर्भ स्त्री पोषण है शिशु पोषण का है पिछड़े क्षेत्रों में पोषण सुधार ये भी है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा ठीक है कौन सा करेक्ट होगा ए वाला करेक्ट होगा चूंकि यही जो है इसका गलत है इसका करेक्ट आंसर होगा चूंकि और सारे के सारे क्या है भाई गलत है ओके ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए अगर आप देखते हैं गेहूं आधिकारिक पूरक पोषण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ गेहूं आधिकारिक पूरक पोषण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ भाई 1986 में प्रारंभ हुआ ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न है मध्या भोजन योजना का प्रारंभ हुआ मध्या भोजन मतलब कि जो दोपहर का भोजन है बीच वाला लंच वो भोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ उन्नीस सौ में हुआ ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है आगे देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग फटाफट से अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रोग निम्न में से कौन सा रोग प्रश्न क्या है निम्न में से कौन सा रोग समाज में प्रचलित सामान्य रोग की श्रेणी में आता है निम्न में से कौन सा रोग प्रश्न क्या है निम्न में से कौन सा रोग समाज में प्रचलित सामान्य रोग की श्रेणी में आता है तो कौन सा रोग है भाई जुकाम हो गया खांसी हो गई मतलब सिर दर्द हो गया दमा हो गया ये सब जो है आ, समाज में प्रचलित सामान्य रोग की श्रेणी में आते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी है आए दिनों होते रहते हैं अगला प्रश्न है अनेकों मतलब अनेकानेक जीव को, अने अने को मनुष्य में रोग पैदा करते अनेकानेक जीव जो मनुष्य में रोग पैदा करते हैं वे क्या कहलाते हैं तो कहलाते हैं रोगजनक जीव कहलाती है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा ग्लूकोज लीवर में पहुंच करके किस रूप में परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है तो ग्लूकोज जब लीवर में जाता है तो ग्लाइकोजन के रूप में वहीं पर जो है जमा होकर के रहता है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा इंसुलिन की कमी का परिणाम होता है निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलिन की कमी का परिणाम होता है भाई तो शरीर में उपाच पचय की क्रिया प्रभावित होती है इससे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है मेरे भाई कौन सा शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने वाला इंसुलिन हार्मोन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है संतुलित आहार से प्राप्त होता है या कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है या फिर अगन्यासय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से तो ऑप्शन नंबर इसका तो सीक्रेट होगा अगन्यासय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं से शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने वाला इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो प्राप्त होता है ओके किससे प्राप्त होता है की विशेष कोशिकाओं से नंबर इसका सी होगा परिवर्तन होना में से किस पर निर्भर करता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन, परिवर्तित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है भाई तो इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है इंसुलिन नामक हार्मोन पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है हाइपो हाइपोग जो है हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में रक्त में शर्करा की मात्रा पाई जाती है कितनी पाई जाती है भाई हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति में आस्सी बटे मतलब अस्सी बटे सौ मिली लीटर से भी कम पाई जाती है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिए भाई अगला प्रश्न है कि एक मधुमेह के रोगी के, तो एक मधु रोगी के आहार में प्रोटीन का समावेश होना चाहिए तो एक मधुमेह रोगी के आहार में प्रोटीन का समावेश जो है कितना होना चाहिए एक के एक से डेढ़ ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार जो है होना चाहिए आपसे नंबर इसका भी करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न है मधुमेह के रोगियों के लिए शरीर के घाव भरने के में अधिक समय लगता है क्योंकि रोगी के शरीर में कीटाणुओं को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ये आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट भट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो ओके देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न क्या है इसको देखने का प्रयास करेंगे प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस आयु में निम्न में से प्रश्न क्या है प्रश्न है भाई प्रश्न है कि निम्न को दो हजार दो तीन प्रश्न क्या है निम्न को दो हजार जो है दो तीन को एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया आ, गया था एकीकृत बाल विकास सेवाओं को ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन बी दिया है आपको ऑप्शन बी दिया है मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया ऑप्शन बी दिया है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को ऑप्शन सी दिया है विटामिन ए रोग निरोधक कार्यक्रम को और ऑप्शन डी दिया किशोरों के मतलब किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि किस बीमारी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है किस बीमारी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है करता तथा इससे अस्थाई या पक्षाघात हो सकता है ए ऑप्शन है कोविड-19 बी ऑप्शन है पोलियो सी ऑप्शन है एचआईवी एड्स और डी ऑप्शन है चेरो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर है होगा पोलियो ओके कौन सा होगा पोलियो ऑप्शन बी अगला प्रश्न है एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस कार्यक्रम के द्वारा आई सी डी एस का परफॉर्म क्या है एकीकृत बाल विकास सेवा ओके कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी नहीं है आपसे क्या पूछ रहा है कि आई कार्यक्रम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी नहीं है तो पहले जानो कौन सी है पूरक पोषण कार्यक्रम होता है इसके द्वारा स्वास्थ्य जांच भी होती है पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा भी होती है ये तीनों होती हैं जबकि ये जो है यही नहीं होती है मध्यान्हन भोजन तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका मध्यान्ह भोजन अगला प्रश्न एन एन पी का अर्थ क्या भाई एन एन पी का अर्थ होता है एन एन पी का अर्थ होता है नेशनल आ जो है न्यूट्रेशन पॉलिसी क्या नेशनल न्यूट्रेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय पोषण नीति ऑप्शन नंबर इसका है। राष्ट्रीय पोषण नीति अगला प्रश्न है निम्न में एक जो है फ्ले फ्लेवोनाइड होता है किस में एक फ्लोवोनाइड होता है जिसे एंथोसाइनिन के रूप में जाना जाता है किसमें होता है भाई ब्लूबेरी या फिर ब्रोकोली पालक या फिर बादाम कच्चा बादाम वाला नहीं चलिए तो किस में एक जो है फ्लेवोनाइड होता है जिसे एंथोसाइनिन के रूप में जाना जाता है तो वो क्या है ब्लूबेरी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट से और अभी रात के नौ बजे से आपकी क्लास कौन सी लगी भाई फूड एंड न्यूट्रिशन की मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको जरूर देखिएगा अगला प्रश्न है डेंगू वायरस किस मच्छर द्वारा संचालित होता है डेंगू वायरस किस मच्छर द्वारा संचालित होता है भाई डेंगू वायरस जो है वो किससे होता है एंडीज एजिप्टी से होता है ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है अगला प्रश्न देखिएगा निम्न में से प्रश्न क्या है निम्न में से आक्सीकरण रोधी का एक समूह स्रोत होने के लिए प्रसिद्ध है तथा तो इसे दैनिक आधार पर पसीने मतलब सॉरी दैनिक आधार पर पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं फिर से एक बार पढ़ें निम्न में से ऑक्सीकरण रोधी का एक संबंध स्रोत होने के लिए प्रसिद्ध है तथा इससे दैनिक आधार पर पीने से शरीर में शरीर से विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं कौन सा हल्दी पीने से या शहद पीने से या दही पीने से ग्रीन टी पीने से तो भाई ग्रीन टी पीने से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सी अगला प्रश्न देखते हैं बाल कल्याण के स्वयंसेवी संगठन कौन से हैं तो बाल कल्याण के स्वयंसेवी संगठन जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी होता है ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं यूनिस यूनिसेफ की स्थापना हुई थी यूनिस यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी भाई यूनिसेफ की स्थापना उन्नीस सौ में हुई थी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग फटाफट से अगला प्रश्न कौन सा भाई अगला प्रश्न प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है बड़ा ही फेमस प्रश्न है प्रश्न है आपका कि जो है निम्न में से किस आयु के लोगों के निम्न में से किस आयु के लोगों के निम्न में से किस आयु में लोगों के यकृत में वृद्धि होती है किस आयु में होती भाई तो मध्य आयु में होती है ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं उच्च रक्तचाप की स्थिति में किस खनिज की मात्रा में कमी कर देनी चाहिए उच्च रक्तचाप की स्थिति में किस खनिज मात्रा में कमी कर देनी चाहिए तो कैल्शियम में सोडियम में जिंक में फास्फोरस में किसमें कर देना चाहिए भाई तो सोडियम में कमी कर देनी चाहिए ऑप्शन नंबर इसका अभी करेक्ट है अगला प्रश्न देखते हैं खास तौर पर बड़ा फेमस प्रश्न है कि मोटे व्यक्ति को आहार में निम्न में से क्या मतलब कि मोटे व्यक्ति को आहार में निम्न में से क्या नहीं दिया जाना चाहिए वसा नहीं दी जानी चाहिए कार्बोहाइड्रेट या रेशेदार पदार्थ या कैल्शियम तो भाई जो व्यक्ति मोटा है ऑलरेडी उसको वसा नहीं देते हैं ऑप्शन नंबर इसका एक क्योंकि वसा मोटापे मतलब कि मोटा होने के लिए वसा का जो है उपयोग किया जाता है अगला प्रश्न है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से बीस परसेंट बढ़ जाता है प्रश्न हमने आपको बताया भी है तो किसमें भाई किसमें मोटापे में जो है बीस परसेंट जो है भार बढ़ जाता है किसमें मोटापे में दस परसेंट अगर भार आपके शरीर का बढ़ता तो वो अधिक भार हो जाता है अगला प्रश्न है मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी भोजन का मतलब कम लेना चाहिए मोटे व्यक्ति क्या है मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए भाई तो एक हज़ार कैलोरी भोजन कम लें ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है अगला प्रश्न है मोटे व्यक्तियों को आहार में कौन से भोज पदार्थ अधिक लेने चाहिए मोटे व्यक्तियों को आहार में कौन से भोज पदार्थ अधिक लेने चाहिए तो भाई रसादार सब्जी मतलब कि रसदार फल खाएँ हरी सब्जियाँ और फलियाँ खाएँ रेशेदार पदार्थ खाएँ ये सभी खाएँ ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है सभी खाएँ अगला प्रश्न है अतिसार की समस्या उत्पन्न हो सकती है अतिसार की समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है भाई आहार की अनुचित आदत के कारण से उत्पन्न हो सकती है और दूषित आहार के कारण भी उत्पन्न हो सकती है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा ए और बी दोनों के कारण से अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है कि लंबी अवधि के प्रश्न क्या है भाई बड़ा ये फेमस प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है फेमस कहना उचित ना होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लंबी अवधि के अतिसार से क्या आशय है लंबी अवधि के अतिसार से क्या से है भाई इस प्रकार के इस मतलब इस प्रकार का अतिसार चौबीस घंटे से अधिक समय तक चलता है क्या ये होता है नहीं बिल्कुल नहीं होता है गलत है ये इस प्रकार अतिशाय अवधि के मतलब क्या है लंबी अवधि के अतिसार से क्या सह तो इस पर जो लंबी अवधि का अतिसार होता है और उस अतिसार का उपचार करने के बाद भी दो सप्ताह से ज़्यादा समय तक चलता रहता तो ऑप्शन नंबर इसका यही बी वाला करेक्ट हो जाएगा ओके आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अतिसार का कारण हो सकता है निम्न में से कौन सा अतिसार का कारण हो सकता है भाई ये सभी कारण हो सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका है पाचन तंत्र का विकार भी हो सकता है खाने की अनुचित आदतें भी हो सकती हैं मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा अगला प्रश्न देखिएगा और लास्ट प्रश्न है कि अधिक तीव्रता वाले अतिसार में अधिक तीव्रता वाले अतिसार में आवश्यक सावधानी निम्न में से क्या है संतुलित आहार है या निर्जलीकरण से बचाव है या ज्वर को नियंत्रित करना है या फिर पेट दर्द को नियंत्रित करना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई निर्जली निर्जलीकरण से बचाव ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है अधिक तीव्रता वाले अतिसार में आवश्यक सावधानी जो बरतनी चाहिए निर्जलीकरण से बचाव करना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है तो इतने प्रश्न आपके हमने करवा दिए तो कम से कमने हमने सौ प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास किया और बहुत ही कम समय में लगभग जो है इकत्तीस मिनट में, में हमने आपको सारे के सारे चीज़ों को बता दिया तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फूड न्यूट्रिशन वाला जो वीडियो होगा ये अभी रात के नौ बजे से आपकी क्लास इसकी होने वाली है इसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाई के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा हालांकि हाई के प्रश्न इसमें हमने खूब दबा करके रखे हैं आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और इसके बाद में ये फूड न्यूट्रिशन वाला वीडियो देख लीजिएगा और इससे पहले वाले भी फूड न्यूट्रिशन के वीडियो सभी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सभी को देख लीजिएगा जाकर के ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट सौ प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी अभी रात के नौ बजे से क्लास होने वाली इसको जरूर अटेंड करें ओके वीडियो लगी हुई है उसमें जा करके आप लोग जो है सेट प्रीमियर मतलब कि उस पर जो प्रीमियर जो वाला सिस्टम है उस पर आप लोग जो है सेंड नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा सेट कर दीजिएगा तब आपको जैसे कि चलेगा क्लास तो आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा ओके तो आप लोग इसको जरूर कर दीजिएगा ओके okay, मिलते हैं फिर नेक्स्ट बी ए बी सी बी काम बी ए सी ए होम साइंस सभी के प्रथम सेमेस्टर के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो अभी नौ बजे होने वाला है और जो हमने अभी भी बताया आपको रात के आठ बजे से क्लास जो हो रही थी ये भी इंपॉर्टेंट ही था सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण था ओके okay? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तो तक तो तो के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का